मैंने बोला मेरे मेरे बेटे का बर्थडे था। नहीं हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियास फैशन। कैसे हैं आप सब लोग? और आज है हैप्पी वाला वेनसडे। और आज मैंने क्या किया सुबह से, आज अभी बज रहे हैं 12:15, हाँ अभी 12:15 बज रहे हैं। आप ये देख सकती हो, देखो न्यू एडिशन, ये मैंने सैटरडे को लाया। हम मेरे बेटे का बर्थडे था तो हम वहाँ पे गए थे ना, तो वहाँ पे सतवा करके एक जगह है दुबई में, तो वहीं पे मेरे बेटे का फ्रेंड का बर्थडे था। तो मैंने बोला मेरे बेटे के फ्रेंड का बर्थडे था तो हम वहाँ पे गए थे। तो सतवा करके जगह है, तो वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं। तो मुझे ये कब से मुझे ये ख़रीदना था, मेरे मन में था कि मुझे ये बैम्बू का जो प्लांट रहता है ना, ये मुझे ख़रीदना। ये एक बार था मेरे घर में लेकिन वो ग्रो नहीं हुआ, तो अभी मुझे फिर से चाहिए था तो मैं ये लेके आई। अभी कुछ नहीं, इसमें जस्ट आपको पानी डाल के रखना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा क्यूट दिखता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्लांट, पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ये चाहिए था तो मैं लेके आई। और ये तो आप जानते हो, ये एलोवेरा का प्लांट है और ये मेरा अभी खाली है क्योंकि इसमें मुझे चॉकलेट्स डालने हैं। मैं इन दिनों में चॉकलेट लाने के लिए गई नहीं। वो जो जली वाले चॉकलेट आते हैं ना जिसपे शुगर का कोटिंग रहता है, वो मुझे बहुत पसंद है। वो यहाँ पे सिर्फ इंडियन स्टोर्स में ही मिलते हैं, आदिल करके इंडियन स्टोर है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको सारे इंडियन जितने प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑथेंटिक इंडियन, जैसे कि आपको पतंजलि के नूडल्स चाहिए या मैगी का चटपटा सॉस चाहिए, तो आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो मुझे वहाँ जाना है, मैं इन दिनों में नहीं जा पाई वहाँ पे। सो अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मैं इसमें ज़रूर लाके मेरा फिर से भरूँगी। ये उसी का जार है और मैं आपको बाद में फिर से दिखाऊंगी। ओके और ग्रीन का ना एक जो हमारे पान होता है ना, इंडिया में जैसा पान मिलता है उसका एक पान का स्वाद होता है, और येलो पाइनएप्पल का फ्लेवर रहता है और रेड तो स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर रहता है। हाँ तो हम बहुत उत्सुक रहते हैं कि हमको कौन सा कलर मिलेगा। तो मुझे हमेशा रेड, मैं सारे कलर्स खाती हूँ चाहे वो कौन सा भी कलर हो। पहले तो मैं चूज़ कर करके लेती हूँ और बाद में जैसे सारे फेवरेट कलर्स ख़त्म हो जाते हैं और जो भी रह जाता है वो भी चल जाता है। फिर आप भी सब लोगों को चॉकलेट्स में बहुत ऐसे होंगे ना, जैसे आपको एक पर्टिकुलर कलर अच्छा लगता होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है। चॉकलेट में करूँगी और मेरे बेटे के लिए किंग फिश फ्राई करूँगी गोवन स्टाइल में। वो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी वीडियो में कि हम गोवन स्टाइल में फ़िश कैसे फ्राई करते हैं। हम रवा फ्राई करते हैं, तो चले आपको दिखाऊँ। का आप तैयार हो देखने के लिए? तो हाय फ्रेंड्स, मैंने अभी फ़िश में सॉल्ट लगा के 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रख दिया है। अभी मैं इसको अच्छे से फिर से वॉश करूँगी और उसके बाद मसाला लगा दूँ है। इसमें मैंने सिर्फ हल्दी और रेड चिली पाउडर और नमक और नींबू डाला है और कुछ नहीं डाला है। हम मसाले ही हमारा जो बेसिक फ्राइंग होता है मैरिनेट करना है। और जैसे ही आप इसको मैरिनेट करोगे उसको और 10 या 15 मिनट के लिए रख देना है। हमारे गोवन
घरों में ऐसे ही होता है। और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। ये इसको एकदम क्रिस्पी फ्राई करना है। अभी मैं सारे अभी फ्राई नहीं करूँगी, कुछ रात के लिए रख लूँगी, क्योंकि मेरे बेटे के लिए अभी मैं एक फ्राई करूँगी और बाकी के मैं रात के लिए रख लूँगी। तो इस तरीके से आप मसाला लगा के उसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। ये मुझे ये लिंट की जो चॉकलेट है ना, डार्क चॉकलेट, ये वाली स्विस डार्क चॉकलेट, ये मुझे बहुत पसंद है। और डार्क चॉकलेट जो रहती है ना, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है। बस इतना ही बस ना हमको खाने के लिए, और क्या चाहिए। मुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है। और अभी मैंने इसके ऑलरेडी खा चुके हैं, मैं एक दिखाऊंगी। ये एक पीस है, बहुत यम रहती है, बहुत ज़्यादा यम रहती है, और मैं खा सकती हूँ। ज़्यादा कड़वी नहीं रहती, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमने लिन की और एक चॉकलेट लाई थी, ये वाली लिंड क्रिएशंस की है, ये क्रीम ब्रूले। और ये इसमें ना कैरमलाइज्ड शुगर का जो क्रीम फीलिंग होता है, वो चॉकलेट के अंदर होता है। ये भी बहुत ज़्यादा यम है। और हमने ऑलरेडी खा चुके हैं हम, और इसका मेरे बेटे को ना ये चॉकलेट फ्रिज में रख के अच्छी नहीं लगती, बिकॉज ये थोड़ी हो जाती है। अगर आप लिमिट में खाओ, ओवर खाएंगे ना तो वो अच्छा नहीं है सेहत के लिए। मेरे बेटे के रूम में हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका ये जो पिलो है ना, ये वाला, ये शेयर नहीं करता, ये इसका पिलो बहुत अच्छा है। तो जब ये स्कूल को जाता है ना, तो मैं इसके पूरे मज़े ले लेती हूँ। इसके आते हैं पंछी, आते हैं बर्ड्स, आते हैं उनके लिए मैं, अभी समर का सीज़न शुरू हो गया है तो मैं इसे पानी रख देती हूँ, ताकि उनको पानी के लिए ज़्यादा यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। और हमको थोड़ा फिश क्रिस्पी चाहिए, तो हमारा जो गोवा का फिश होता है वो थोड़ा क्रिस्पी होता है। अगर आप गोवा में जाओगे तब अभी मैं पी रही हूँ चाय। अभी शाम हो चुकी है और ये मेरा फेवरेट वाला मग फ्लेमिंगो का, जो मैं होम सेंटर से लाई हूँ, इसमें मैं पी रही हूँ चाय। और आप देख सकते हो बच्चे नीचे खेलने आ गए हैं। और बाय बाय फॉर टुडे।